मुंगेर में एक वीडियो बड़ी तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें छठ करने गए कुछ लोग गंगा के दलदली मिट्टी में फंस गए, जिसे स्थानीय युवा और लोगों के द्वार रस्सी के माध्यम से खींच खींच कर निकाला जा रहा था। जब इस वायरल वीडियो की सत्यता के बारे में जांच की गई तो यह वीडियो मुंगेर जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र के श्यामपुर का निकला, जहां पे लोग स्थानीय गंगा तट पर छठ मानने गए थे, पर घाट पहुंचने वाले रास्ता गंगा से ठीक पहले अचानक हजारों श्रद्धालुओं के चलने से दलदली हो गया। दलदल इतना हो गया कि लोगों के पैर फंस रहे थे, श्रद्धालु गिर रहे थे, कोई सुख दौरा का डाला लेकर गिर रहा था तो कोई बच्चे के साथ गिर रहा था। आवागमन में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय नवयुवक समिति के सदस्य भी इस रास्ते को दलदली हो जाने से अनजान थे। अचानक पूरा रास्ता चारों ओर दलदली हो जाने से नवयुवक समिति के सदस्यों ने मोर्चा संभाल लिया। किसी तरह लोगों को डायवर्सन दिया गया, लेकिन डायवर्सन रास्ता भी दलदली हो गया। लोग गिरते संभलते घाट पर पहुंच रहे थे, पर जब वापस आने की बारी आई तो वह और भी दलदली हो गया, जिस कारण लोग उसमें फंसते चले गए, जिसके बाद कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा उन फंसे लोगों को दौरों के सहित रस्सी से खींच खींच कर बाहर निकाला गया। जब इस बात की स्थानीय प्रशासन को पता चली तो पुलिस फोर्स और राहत बचाव दल भेज सभी उस घाटा पे आग नहीं देने की अपील कर बाहर निकाला। वहीं इस मामले में फोन पर सदर SDO यतेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा वो चिन्हित घाट नहीं है, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा उसे घाट मानते हुए वहां छठ करने गए, पर गंगा का पानी उतरे 2 से 3 होने के चलते इस गंगा तट की मिट्टी दलदली हो गई थी, जिस कारण वहां लोग मिट्टी में फंस रहे थे, पर सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और वहां के लोगों से अपील भी की गई कि वो जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित घाटों पर ही छठ करें, जिसे पूरी तरीके से सुरक्षित बना दिया गया है, अन्यत्र न करें। सब नौ भाई, सब नौ भाई। सड़का पर सटा मतलब हाथ तक भी नहीं उठाया। अरे ऐसे लगाइए रे, नहीं तो उतरे में दिक्कत होते, उन्हें सटाइए। चलो जा।